नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी की ऑडियो लेक्चर श्रृंखला की अगली कड़ी में। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की महान विभूति तथा भक्ति कर्म और धर्म की त्रिवेणी स्वामी आत्मानंद जी के बारे में। मैं हूं परितोष जायसवाल। प्राची में सूर्योदय होने पर केवल प्रकृति ही नहीं अपितु समस्त जगत ही हर्ष विभोर हो जाता है। केतकी का फूल जब डाल पर खिलता है तो केवल वह डाल ही नहीं बल्कि समस्त मधुबन ही मधुर सुवास से महक उठता है। इसी प्रकार जब किसी असाधारण विभूति का इस धरातल पर अवतरण होता है तब केवल एक परिवार ही नहीं बल्कि सारा विश्व धाम ही प्रफुल्लित हो उठता है। ऐसी ही दिव्य विभूति थे स्वामी आत्मानंद जी, जिनकी स्मृति सौरभ से छत्तीसगढ़ का मधुवन महक रहा है। छत्तीसगढ़ की सहज स्नेह एवं आत्मीय संस्कृति का अवदान स्वामी जी के रक्तों में विद्यमान था, अतः उन्होंने अपनी कर्म भूमि भी छत्तीसगढ़ को ही बनाया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद की जन सेवा ही शिव सेवा की अवधारणा को अपनाया और अपने जीवन को दिशा प्रदान की। अपने जीवन के इस निर्दिष्ट ध्येय की सिद्धि के निमित्त ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन आश्रमों की बुनियाद रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थलों पर रखी। उनके कर्मठ व्यक्तित्व के फलस्वरूप इन आश्रमों में न केवल आध्यात्मिक चेतना का संचार हुआ अपितु प्रचार प्रसार का एक अक्षय एवं समृद्ध पुण्य तीर्थ का स्वरूप देने में सफलता भी पाई। इसके साथ ही समाज सुधार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर छत्तीसगढ़ के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये आश्रम निभा रहे हैं। आज इस ऑडियो आर्टिकल के माध्यम से हम जानेंगे स्वामी आत्मानंद जी का जीवन परिचय। स्वामी आत्मानंद का चिंतन, शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद का योगदान, इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद का योगदान, स्वामी आत्मानंद जी के द्वारा स्थापित विभिन्न मठ, स्वामी आत्मानंद विद्यालय तथा महाविद्यालय क्या हैं, तथा अंत में एक सकारात्मक उपसंहार के साथ इस चर्चा को विराम देंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं स्वामी आत्मानंद जी के जीवन परिचय के बारे में। बाल्यावस्था में रामेश्वर एवं तुलेंद्र सिंह वर्मा के नाम से जाने जाने वाले स्वामी आत्मानंद का जन्म 6 अक्टूबर 1929 में बरबंदा ग्राम रायपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा शिक्षक श्री धनीराम वर्मा एवं श्रीमती भाग्यवती देवी के 5 पुत्रों तथा 1 पुत्री में ज्येष्ठ थे। 1938 में पिता धनीराम वर्मा महात्मा गांधी के आह्वान पर बुनियादी शिक्षा पद्धति पर आधारित विद्या मंदिर योजना को साकार रूप प्रदान करने के लिए सपरिवार वर्धा ग्राम पहुंचे। गांधी जी के संपर्क सूत्र में रहकर उन्हें जो प्रेरणा प्राप्त हुई वह उनके भावी जीवन को राष्ट्र और धर्म के सर्वोत्तम आदर्श भक्त बनाने में सहायक सिद्ध हुई। स्वामी विवेकानंद का यह कथन कि नास्तिक वह है जो खुद पर विश्वास नहीं करता ने तुलेंद्र के हृदय में जबरदस्त हलचल मचा दी। स्वामी आत्मानंद ने नागपुर के हिस्लॉप कॉलेज में प्रवेश लिया। रायपुर के आशुतोष विश्वास के माध्यम से उन्हें नागपुर के रामकृष्ण मिशन के विद्यार्थी भवन में आवास की सुविधा मिल गई। 1949 में उन्होंने बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर प्रावीण्य सूची में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 1951 में उन्होंने गणित में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसी समय आईएएस की लिखित परीक्षा भी प्रशंसनीय अंकों से उत्तीर्ण की लेकिन मौखिक परीक्षा में शामिल नहीं हुए। स्वामी आत्मानंद ने अपनी किताब गीता तत्व चिंतन में इस बारे में विस्तार से बताया है कि उन्होंने आईएएस की नौकरी क्यों नहीं की। स्वामी आत्मानंद ने रामकृष्ण मठ धनतौली नागपुर में रहकर आध्यात्मिक साधना प्रारंभ की। 1957 में तुलेंद्र रामकृष्ण संघ के महाध्यक्ष स्वामी शंकरानंद जी द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत में दीक्षित हुए तथा उन्हें ब्रह्मचारी तेज चैतन्य नाम दिया गया। स्वामी आत्मानंद ने 1947 में रामकृष्ण मठ के परमाध्यक्ष स्वामी विरजानंद जी से दीक्षा प्राप्त की। 1951 में गृह त्याग, 1957 में स्वामी शंकरानंद द्वारा ब्रह्मचर्य में दीक्षित हुए। 1960 में अमरकंटक में बुद्ध पूर्णिमा के दिन संन्यास ग्रहण किया और स्वामी आत्मानंद कहलाए। 19 जून 1963 को हिंदी त्रैमासिक पत्रिका विवेक ज्योति शीर्षक से पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस पत्रिका के विमोचन के दौरान काका कालेलकर और जैनेन्द्र कुमार भी उपस्थित थे। 27 अगस्त 1986 को नागपुर आश्रम से रायपुर आते वक्त राजनांदगांव के ग्राम कोहका में उनकी जीप दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उनकी मृत्यु हो गई। आइए अब जानते हैं कि स्वामी आत्मानंद जी का चिंतन कैसा था।
आधुनिक भारतीय दार्शनिकों में छत्तीसगढ़ के महान दार्शनिक एवं समाज सुधारक स्वामी आत्मानंद जी का प्रमुख स्थान है, जिनके दर्शन ने आधुनिक वैज्ञानिक मानव को सफलतम जीवन का मूल मंत्र दिया है। स्वामी आत्मानंद जी ने यद्यपि कोई नया धर्म संप्रदाय या नई दार्शनिक पद्धति को प्रतिपादित करने का दावा तो नहीं किया, वरन उनकी दार्शनिक विवेचना स्वामी विवेकानंद के वेदांत दर्शन को व्यवहारिक बनाने के साथ ही उसे सुलभ कर जीवन से जोड़ने का सफलतम प्रयास था। स्वामी जी ने गीता की तार्किक व्याख्या कर उसे समाज के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया, बल्कि युवा पीढ़ी के समक्ष उन्होंने गीता को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। पहला, मोक्ष। गीता तत्व चिंतन में आत्मानंद जी कहते हैं कि मोक्ष के साक्षात्कार से जीव को कोई नवीनता प्राप्त नहीं होती, केवल अज्ञान दूर हो जाता है और वह उस तथ्य को जान लेता है जिसकी सत्ता पहले से है। स्वामी आत्मानंद जी ने विवेकानंद के आत्मनो मोक्षार्थ जगहिताच को ही मोक्ष का मूल मंत्र माना है। दूसरा, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म के संदर्भ में स्वामी आत्मानंद का मानना है कि मृत्यु जीवन का विलक्षण सत्य है। आत्मा का शरीर को त्याग देना ही मृत्यु है। मनुष्य की स्वाभाविक मृत्यु गहरी नींद के समान है, जिससे गुजरकर मनुष्य ताजगी का एहसास करता है। तीसरा, कर्मयोग। स्वामी आत्मानंद ने इस जीवन में कर्मयोग के महत्व को स्वीकार किया है। कर्मयोग का अर्थ है कुशलता के साथ कार्य करने की विधि। चौथा, शिक्षा दर्शन। स्वामी आत्मानंद स्वामी विवेकानंद की तरह ही शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य के चरित्र निर्माण को मानते हैं। स्वामी आत्मानंद जी कहते हैं कि शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति में तथा शिक्षा देने वाली व्यक्ति में कुछ विशिष्ट गुणों का होना अनिवार्य है। स्वामी आत्मानंद के शिक्षा दर्शन पर अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि वे बालक की शिक्षा के लिए ऐसे पाठ्यक्रम को आवश्यक मानते थे जिससे उसके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं के विकास का अवसर मिले। पांचवा, मानव धर्म। स्वामी आत्मानंद का धर्म मानवतावादी है। संसार के सभी धर्म मूल मानव धर्म की ही अभिव्यक्ति हैं। स्वामी आत्मानंद ने मानव धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहा तथा दरिद्र नारायण की पूजा को सबसे बड़ी पूजा बताया। आइए अब देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद का क्या योगदान रहा है। स्वामी आत्मानंद जी ने आकाशवाणी रायपुर को दिए गए अपने साक्षात्कार में कहा कि शिक्षा जानकारी का नाम नहीं जो हमारे दिमाग में ठूस दी जाती है, किंतु शिक्षा का प्रधान उद्देश्य मनुष्य के चरित्र का उत्कर्ष, आचरण का सुधार और पुरुषार्थ तथा मनोबल का विकास है। स्वामी आत्मानंद की शिक्षा प्रणाली में स्वामी विवेकानंद की मनुष्य निर्माण की शिक्षा का प्रतिबिंब झलकता है। स्वामी आत्मानंद का शिक्षा दर्शन स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन के ही समानांतर है। स्वामी आत्मानंद समाज में व्याप्त समस्त बुराइयों की जड़ अशिक्षा को मानते थे। इन बुराइयों को दूर करने के लिए वे वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्रमिक सुधार कर शिक्षा का विकास करना चाहते थे। छत्तीसगढ़ की शिक्षा प्रणाली दुरुस्त करके समाज की समस्त बुराइयों को दूर करने के लिए स्वामी आत्मानंद ने छत्तीसगढ़ में मिशन के माध्यम से शिक्षा जगत को अतुलनीय योगदान दिया है, जिसमें सर्वप्रथम रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर का नाम आता है। पहला, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर। इस आश्रम की स्थापना 1958 में रायपुर में की गई। अपनी स्थापना के पश्चात से ही यह आश्रम शिक्षा के जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम के तहत शिक्षा के विकास के लिए विवेकानंद शताब्दी स्मारक संग्रहालय की स्थापना की गई। ग्रंथालय की अनौपचारिक शुरुआत 1961 में की गई। दो वर्ष पश्चात यानी 1963 में ग्रंथालय की औपचारिक शुरुआत तत्कालीन राज्यपाल श्री हरि विनायक पाटस्कर द्वारा की गई थी। विवेकानंद आश्रम में ही एक निःशुल्क वाचनालय की स्थापना 25 जुलाई 1964 को की गई, जबकि छात्रों के रहवास की समस्या दूर करने के लिए विवेकानंद आश्रम में विवेकानंद विद्यार्थी भवन की स्थापना 3 सितंबर 1962 में हुई। आश्रम के अंतर्गत ही प्रांतीय शासन की ओर से 1962 से 1964 तक पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित होता रहा। सर्व साधारण को अपेक्षाकृत कम दामों में साहित्य उपलब्ध कराने के लिए आश्रम में प्रकाशन विभाग भी संचालित किया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद के प्रयासों से ही एक त्रैमासिक पत्रिका विवेक ज्योति का प्रकाशन भी होता रहा है। इसे प्रकाशित करने का उद्देश्य
धर्म, दर्शन और समाज के प्रतिष्ठित चिंतकों और लेखकों के विचारों को जनता के समक्ष प्रस्तुत करना है। दूसरा, श्री रामकृष्ण सेवा समिति आश्रम बिलासपुर। स्वामी आत्मानंद जी का बिलासपुर जिले के शैक्षणिक जगत को भी अतुलनीय योगदान है। बिलासपुर क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए स्वामी जी ने रामकृष्ण सेवा समिति आश्रम के माध्यम से विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत की तथा सुधार के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। बिलासपुर आश्रम में पुस्तकालय की स्थापना 1 नवंबर 1976 को मिशन के उपाध्यक्ष श्री रामपद स्वामी जी के कर कमलों से किया गया। इसके अलावा वाचनालय, निःशुल्क आवासीय छात्रावास तथा आध्यात्मिक और चरित्र निर्माण उन्नयन की दृष्टि से एक विक्रय विभाग की भी स्थापना की गई थी। तीसरा, श्री रामकृष्ण सेवा मंडल भिलाई। श्री रामकृष्ण सेवा मंडल भिलाई में 1976 में स्थापित ग्रंथालय, निःशुल्क वाचनालय, शैक्षणिक शाखा के रूप में माँ शारदा सेवा समिति तथा माँ शारदा संगीत विद्यालय की भी स्थापना की गई है। चौथा, श्री रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर। देश विदेश में विवेकानंद जी की शिक्षा प्रणाली को फैलाने वाले स्वामी आत्मानंद जी ने बस्तर के भोले भाले आदिवासियों के लिए भी शिक्षा के विशेष प्रयत्न किए। अबू झमाड़ विकास प्रकल्प 1989 की इस स्मारिका में लिखा गया है कि स्वामी आत्मानंद अपने प्रथम अबू झमाड़ प्रवास में ही आदिवासियों की स्थिति देखकर द्रवित हो उठे और कहा कि सेवा के सच्चे हकदार तो ये मेरे नारायण स्वरूप भाई बहन हैं। उनकी स्थिति का अवलोकन करने पर स्वामी आत्मानंद जी ने अशिक्षा को उनकी समस्या का मूल कारण पाया और इसके निराकरण के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार का कार्य प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने तत्कालीन नारायणपुर तहसील में रामकृष्ण मिशन का बेस कैंप बनाकर अपने कार्य का श्री गणेश किया। इसके अंतर्गत विवेकानंद विद्यापीठ, मां शारदा विद्यापीठ तथा विवेकानंद वनवासी युवा प्रशिक्षण केंद्र, कृषि प्रदर्शनी सह प्रशिक्षण फार्म की स्थापना की। विवेकानंद विद्यापीठ पब्लिक स्कूल ढांचे पर चलाया जा रहा यह विद्यापीठ स्वामी विवेकानंद के चरित्र निर्माण की शिक्षा पर आधारित है। विवेकानंद विद्यापीठ की स्थापना 2 जुलाई 1986 में की गई थी। विवेकानंद विद्यापीठ आदिवासी विद्यार्थियों के शिक्षा के विकास में पूर्णतः समर्पित आधुनिक युग का एक ऐसा विद्यालय है जहां प्राचीन गुरुकुल पद्धति से विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। इस विद्यापीठ का संचालन रामकृष्ण मिशन बेलूर के द्वारा किया जा रहा है। मां शारदा विद्यापीठ रामकृष्ण मिशन बेलूर के अंतर्गत केवल पुरुष सन्यासियों के आश्रम होते हैं, इसलिए रामकृष्ण मिशन नारायणपुर आश्रम की भी यह मजबूरी थी कि वो केवल बालकों को ही शिक्षा प्रदान करें, जबकि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए महिलाओं का भी शिक्षित होना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए स्वामी आत्मानंद ने भोपाल स्थित विश्वास नामक संस्थान के सहयोग से नारायणपुर आश्रम परिसर में मां शारदा विद्यापीठ की स्थापना की। विवेकानंद वनवासी युवा प्रशिक्षण केंद्र रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर में विवेकानंद वनवासी युवा प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 2 अगस्त 1986 को की गई। यह निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र है जहां परीक्षार्थियों को निःशुल्क आवास, भोजन के साथ प्रशिक्षण आदि भी प्रदान किया जाता है। इस शिक्षण केंद्र का उद्देश्य वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है। अब देखते हैं चिकित्सा क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद का क्या योगदान रहा है। स्वामी आत्मानंद द्वारा समाज सुधार की दिशा में किए जाने वाले कार्यों में दूसरा महत्वपूर्ण कार्य चिकित्सा के क्षेत्र में किया गया था। इस कार्य को उन्होंने रामकृष्ण मिशन के औषधालय विभाग के माध्यम से पूरा किया है। पहला, रामकृष्ण मिशन रायपुर में 1963 में धर्मार्थ औषधालय विवेकानंद चैरिटेबल पॉलीक्लिनिक की स्थापना की गई। होम्योपैथी विभाग की स्थापना 1960 में हुई, जबकि विवेकानंद चैरिटेबल पॉलीक्लिनिक एलोपैथी की स्थापना 17 दिसंबर 1967 में की गई। इसके अलावा विवेकानंद चल अस्पताल 1980 से ही ग्रामीण जनता की सेवा में लगा हुआ है। दूसरा, रामकृष्ण मिशन बिलासपुर में भी चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। 1976 में होम्योपैथी विभाग की स्थापना निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा को प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। तीसरा, रामकृष्ण सेवा मंडल भिलाई में होम्योपैथी चिकित्सालय की स्थापना 1975 में हुई। चौथा, रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर।
नारायणपुर स्थित विवेकानंद आरोग्य धाम आज भी बस्तर के चिकित्सा क्षेत्र में सराहनीय भूमिका निभा रहा है। वर्ष 1986 में रामकृष्ण मिशन नारायणपुर में विवेकानंद आरोग्य धाम की स्थापना की गई। बस्तर जैसे विस्तृत क्षेत्र का चिकित्सकीय समाधान केवल नारायणपुर स्थित औषधालय से तो नहीं हो सकता था, इसलिए एक चल अस्पताल 1986 में स्थापित किया गया तथा अबू झमाड़ के भीतर कंचापाल, कुंदला, इरकमही, कुतुल, आकाबेड़ा में भी आरोग्य धाम स्थापित किए गए। अब बात करते हैं स्वामी आत्मानंद जी के द्वारा स्थापित विभिन्न मठों के बारे में। स्वामी आत्मानंद जी के बारे में तथा उनके द्वारा स्थापित मठों की महत्ता बताते हुए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री श्यामा चरण शुक्ल जी का कथन ध्यान रखने योग्य है। कहते हैं, स्वामी आत्मानंद वास्तव में पारस पत्थर थे जिन्होंने लोगों की जीवन धारा ही बदल दी। उनके द्वारा स्थापित संस्थाएं तथा दिए गए संदेशों से प्रदेश व देश सभी आलोकित हो रहे हैं। स्वामी आत्मानंद ने न केवल छत्तीसगढ़ में वरन संपूर्ण भारत में सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए कुल 17 आश्रमों का निर्माण एवं निर्देशन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ में 6 तथा छत्तीसगढ़ से बाह्य प्रदेशों में 11 आश्रम बनाए गए हैं। बाहरी प्रदेशों में इंदौर, अमरावती, जबलपुर, बैतूल, भोपाल, अमरकंटक, शायगांव, ओंकारेश्वर, बुल्ढाना, उज्जैन तथा जयपुर हैं। इन आश्रमों में जहां एक ओर धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों पर जोर दिया गया है, वहीं शैक्षणिक संस्थाएं एवं ग्रंथालय आदि के द्वारा बौद्धिक विकास का भी प्रयास किया जा रहा है। जहां एक ओर धार्मिक उत्सव सम्मेलनों से क्षेत्रीय जनता लाभान्वित हो रही है, वहीं राहत कार्य के माध्यम से जन सामान्य के हृदय स्थली पर अपना प्रभुत्व जमाने में यह आश्रम सफलता प्राप्त किए हुए हैं। पहला, श्री रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर। रायपुर में रामकृष्ण आश्रम के प्रणेता श्री आशुतोष विश्वास जी थे, जिन्होंने सन 1958 में रामकृष्ण सेवा समिति के नाम से इस समिति का निर्माण किया था। किंतु इस आश्रम की प्रगति का इतिहास रामकृष्ण भावधारा के सन्यासी स्वामी आत्मानंद के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। 30 जनवरी 1961 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 9300 वर्ग फुट की जमीन मिली। 13 अप्रैल 1962 को रामनवमी के दिन स्वामी आत्मानंद ने नए आश्रम में प्रवेश किया। 8 अप्रैल 1968 को यह आश्रम बेलूर मठ में विलय हो गया और इसका नाम रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रखा गया। दूसरा, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर बस्तर। सुदूर बस्तर अंचल का अबू झमाड़ क्षेत्र, जहां बच्चे वेदों की ऋचाओं का स्वस्वर पाठ करते मिले, गीता की घोष अंतरिक्ष को गुंजायमान कर रही हो, मन के एकाग्रता की साधना हो रही हो, सदावरण के जीवन मानदंडों की संरचना हो रही हो, वह स्थान है रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम नारायणपुर। स्वामी आत्मानंद के समक्ष मुख्य चुनौती कठिन पहुंच मार्ग तथा लोगों को अपने उद्देश्यों को समझाने की थी, लेकिन इन आदिवासी भाई बहनों के कल्याणार्थ स्वामी जी ने इस आश्रम की स्थापना की। अबू झमाड़ विकास प्रकल्प की प्रेरणा स्वामी आत्मानंद को तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से प्राप्त हुई, जो 21 जुलाई 1965 को रविशंकर विश्वविद्यालय में आई हुई थी। विभिन्न अनुमतियां, दानों तथा स्वीकृतियों के बाद आश्रम निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। मिशन के प्रमुख शिल्पकार श्री जीपी रेड्डी थे। 42 एकड़ की भूमि पर यह आश्रम बनाया गया। मई 1985 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन भूमि पूजन के बाद 2 अगस्त 1985 को पहला टीन शेड बनकर तैयार हो गया तथा नव आश्रम प्रवेश प्रारंभ हुआ। इंदिरा गांधी की प्रेरणा, 1977 में शोषण को देखकर जो विचार मंथन हुआ तथा 1985 में जो कर्मठता दिखाने का समय आया, इन सब का सार है नारायणपुर का दार्शनिक आश्रम। तीसरा, रामकृष्ण सेवा मंडल भिलाई नगर। पाउली से भिलाई बना भिलाई नगर इस्पात नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। भिलाई नगर के विकास में सहायक औद्योगिकीकरण के अलावा अन्य कारक भी हैं, जिसमें से प्रमुख है रामकृष्ण सेवा मंडल। इस मंडल की स्थापना भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों द्वारा की गई थी, जो विवेकानंद भावधारा से प्रभावित थे, जिन्हें पूर्ण मार्गदर्शन मिला स्वामी आत्मानंद जी से। 1968 में स्वामी आत्मानंद के निर्देशन पर एक समिति का गठन हुआ तथा इस आश्रम का निर्माण 17 जुलाई 1994 तक पूर्ण किया गया। चौथा, श्री रामकृष्ण सेवा समिति आश्रम बिलासपुर। श्री रामकृष्ण सेवा समिति आश्रम बिलासपुर की स्थापना का पुनित कार्य श्री आशुतोष विश्वास द्वारा किया गया था।
बिलासपुर में 24 अप्रैल 1966 को विख्यात अधिवक्ता जमुना प्रसाद वर्मा जी के निवास स्थान पर आश्रम प्रारंभ किया गया। 15 अक्टूबर 1970 को शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्री कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री की पत्नी श्रीमती गिरजा देवी ने वर्तमान आश्रम और भवन को समिति को दान कर दिया। तब से रामकृष्ण सेवा समिति आश्रम बिलासपुर के इसी भवन में स्थित है और सतत अपने उद्देश्यों की पूर्ति की ओर अग्रसर है। 5वां श्री रामकृष्ण सेवा मिशन पंखाजूर। श्री रामकृष्ण मिशन पंखाजूर की स्थापना सन 1971 में दंडकारण्य प्रोजेक्ट के तत्कालीन सरकारी चिकित्सक डॉक्टर दिलीप रंजन सरकार ने की थी। इस मिशन का उद्देश्य बस्तर के अविकसित क्षेत्र में विकास कार्य को प्रारंभ करना तथा आदिवासियों में धार्मिक सामाजिक नवचेतना को जागृत करना था। 1977 में रामकृष्ण विद्यालय की स्थापना की गई। पंखाजूर आश्रम का महत्व आश्रम इतिहास में अत्यधिक है क्योंकि इस आश्रम ने रामकृष्ण मठ मिशन को सर्वाधिक सन्यासी प्रदान किए हैं। 6वां श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवा समिति अंबिकापुर। 17 नवंबर 1983 को रामकृष्ण सेवा समिति अंबिकापुर की स्थापना की गई। माखनलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में 20 जनवरी 1981 को सेवा समिति का गठन किया गया था। इसी ने इस समिति का निर्माण किया। इस प्रकार संपूर्ण छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रामकृष्ण भावधारा ने कुल 6 आश्रम स्थापित किए जो स्वामी आत्मानंद के अथक प्रयासों का परिणाम है। सामाजिक विकास के विभिन्न कार्य जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रशिक्षण और सामाजिक चेतना के विकास में ये सभी आश्रम संलग्न है। स्वामी आत्मानंद जी ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ के समाज को आश्रमों के माध्यम से नया जीवन प्रदान किया है। बिलासपुर, भिलाई, पंखाजूर तथा अंबिकापुर के आश्रम प्राइवेट आश्रम हैं। वे बेलूर मठ कलकत्ता में शामिल नहीं होते हैं। आइए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में हालिया चर्चित स्वामी आत्मानंद विद्यालयों तथा नवीन घोषित आत्मानंद महाविद्यालय के बारे में। कोई भी देश कितना विकसित है इसके 3 पैमानों में स्वास्थ्य, आर्थिक खुशहाली के साथ शिक्षा को भी शामिल किया जाता है। यदि कोई देश शिक्षा में निवेश करता है तो भविष्य में उसे अपने निवेश का कई गुना लाभ प्राप्त होता है। वर्तमान सरकार ने छत्तीसगढ़ के उचित भविष्य के लिए स्वामी आत्मानंद विद्यालयों की श्रृंखला के साथ निवेश की ही ऐसी परंपरा विकसित की है जिसे बहुत पहले ही प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए था। आज जमाना ग्लोबल दौर का है और ग्लोबल जमाने की संपर्क भाषा है अंग्रेजी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई है। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद विद्यालय के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। पहला, प्रदेश में स्वामी आत्मानंद स्कूलों की शुरुआत सबसे पहले 3 जुलाई 2020 को हुई थी। सन 2020 में ही अलग अलग शहरों में 52 विद्यालय खोले गए थे। प्रथम वर्ष में इन विद्यालयों में आवेदन करने वालों की संख्या लगभग 20,000 थी। दूसरा, वर्ष 2022-23 में 2,76,000 आवेदनों का मिलना स्वामी आत्मानंद विद्यालयों की स्वीकार्यता को दर्शाता है। इसे ही ध्यान में रखते हुए वर्तमान में 289 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं जिसमें अंग्रेजी माध्यम के 247 और हिंदी माध्यम के 32 स्कूल हैं। तीसरा, 2023-24 के शैक्षणिक सत्र के लिए 439 हिंदी माध्यम स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है। चौथा, विद्यार्थियों की कुल संख्या की बात की जाए तो 2021-22 में 1,41,000 तथा 2022-23 में इन विद्यालयों में 2,31,000 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है। आठवां, जून 2023 से शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र के लिए राज्य के प्रमुख 10 शहरों में अंग्रेजी माध्यम के महाविद्यालय खोले जाने हैं तथा अगले 3 वर्षों में सभी जिला मुख्यालयों में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम मॉडल कॉलेज के रूप में नामित किए जाने वाले संस्थान स्थापित किए जाएंगे। छठवां, इन विद्यालयों में प्रवेश ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से होता है। इंग्लिश माध्यम, बीपीएल कार्ड तथा कोरोना में जिन बच्चों की पिता की मृत्यु हो गई है ऐसे बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है। सातवां, ये स्कूल पूरी तरह से सीजी बोर्ड के माध्यम से संचालित हो रहे हैं। बीपीएल राशन कार्ड वाले बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित रहती हैं, जिसमें से 50% सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित हैं। आठवां, मात्र 2 साल पहले खुले आत्मानंद विद्यालय के बच्चे भी अपना हुनर दिखाने लगे हैं। स्वामी विवेकानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालय मुंगेली के छात्रों ने इंटरनेशनल एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन में हिस्सा लेकर एस्टेरॉयड की खोज की है। इसे ASM 0123 तथा ASM 104 नाम दिया गया है। नौवां, नया पारा महासमुंद स्थित
आत्मानंद विद्यालय की छात्रा रितिका ध्रुव का चयन नासा के एस्टेरॉयड सर्च प्रोग्राम में हिस्सा लेकर सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट में चयनित हुई हैं। रितिका के इस टैलेंट को आईआईटी और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के वैज्ञानिकों ने भी सराहा है। स्वामी आत्मानंद जी के जीवन परिचय को अगर दो लाइनों में कहा जाना हो तो इस प्रकार से हो सकता है। चुप है लेकिन सदियों तक गूंजेगी सदाएं साज तेरी, दुनिया की अंधेरी रात में ढाढ़स देंगी आवाज तेरी। स्वामी आत्मानंद ने अपना संपूर्ण जीवन मानव मात्र की आध्यात्मिक उन्नति के लिए लगा दिया। कुशाग्र बुद्धि के स्वामी आत्मानंद के सपनों को वर्तमान सरकार स्वामी आत्मानंद विद्यालय तथा महाविद्यालय के माध्यम से पूरा कर रही है। स्वामी रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद की विचार तथा भक्ति धारा को स्वामी आत्मानंद ने औद्योगिक नगरी भिलाई से लेकर सुदूर अबूझमाड़ क्षेत्र के नारायणपुर तक फैलाया है। स्वामी आत्मानंद जी का जीवन, कर्म, विचार वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता है। इन्हें आत्मसात कर आधुनिक विश्व की नवीनतम समस्याओं पर पार पाया जा सकता है। धन्यवाद।